अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज मंडे और अभी मैंने जस्ट ब्लॉग स्टार्ट कर दिया सुबह सुबह उठते ही। और अभी हो रही है बारिश बहुत तेज, सुबह मॉर्निंग से बारिश हो रही है और कह रहे हैं 6-7 दिन तक बारिश कंटिन्यू होगी। और क्या और अभी बनाते ग्रीन टी और ग्रीन टी पीते। अभी बज रही मॉर्निंग के 5:30, सॉरी 5:30 तो नौ तब था, 6 बज रहे हैं गाइस। तो नींबू खत्म हो गया तो आज बिना नींबू के ग्रीन टी पीनी पड़ेगी। ऐसे क्यों? अच्छा बाबा की बजे नहीं आएगा मेरे पास, बाय बोल दो पापा को, बाय बाय। तो ऐसे तो रैन कभी कभार खेल लेता है बाहर जब मैं काम कर रही हूँ तो किचन का सुबह सुबह, लेकिन कभी कभार इसका मूड ख़राब होता है ना तो ये बस मेरे पास रहना चाहता है, तो कोई भी आके लेता है तो जाता नहीं है, तो इसलिए मैं अपने पास बैठा लेती हूँ इसको। यहाँ पे मैं काम करती रहती हूँ और ये बैठा बैठा जो है देखता रहता है, इधर उधर खेलता रहता है। ये ले लो तू बेटा, और लो 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 लो, सॉरी, ये ची अच्छा ठीक है। तो मैंने सारी कोशिश कर ली, ये नहीं जा रहा, नहीं उतर रहा, खिलौने दे दिए, सब कुछ दे दिए। अब इसका लास्ट है यार, इसके पापा को कॉल करो और उनको बुलाओ और वो लेंगे। बारिश जो है अभी भी आ रही है और किचन का काम का हो गया है, लेकिन रूम की सफाई बाकी। तो किचन का काम हो गया, सफाई भी हो गई, रूम साफ हो गया एकदम। और अभी जो है मैं नहाने जा रही थी, वर्कआउट किया है थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से बहुत बुरी हालत है, अभी पसीना पसीना आ रखा तो शक्ल दिखा नहीं रही मैं भी फिलहाल। बाकी अभी नहा के और ये ड्रेस पहन रही हूँ मैं। इसका मैं बताऊँ कि ये ड्रेस जो है मुझे मेरी सास ने दी थी, मुझे मतलब देखते पसंद आ गई थी तो मम्मी ने बोला ठीक है तू रख ले। और वाइट भी है, प्लस आप लोगों को पता होगा मुझे ये ऐसे दुपट्टे और लाइक कॉटन के दुपट्टे वाली ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगती है। सुनहा लेते हैं और उस शैतान को भी नहला देती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। मम्मा, मैं कितना भी इसकी अलमीरा जमा दूँ, कितनी बार भी जमा दूँ, ये हाल होता है एंड में, मतलब थोड़ी बहुत बिखर जाती है। कपड़े लेती हूँ बार बार तो, हालांकि इसको बिखेरने वाली मैं ही हूँ और आन तो नहीं है,
बट वही बात है, एक कपड़ा लेती हूँ तो दो तीन ये नहीं अच्छा लगता तो वापस रख देती हूँ, फिर मैं ऐसे ही रख देती हूँ। समझ को देखेंगे अभी क्या पहना हूँ मैं इसको, ये टी शर्ट और निकर, जीन्स के तो गर्मी है रहने देती हूँ, तो बारिश का मौसम हो रहा है। शर्ट सोचू, शर्ट पहना देती हूँ आज इसको, वरना मैं शर्ट इसको बिल्कुल ही नहीं पहनाती, वरना सारी की सारी शर्टें ना ये छोटी हो जाएगी फिर, वरना बट सबके सब नहीं है। अब कौन से पहनाऊँ, ये पहना देती हूँ। इसको मैंने प्रेस ही नहीं किया, बाकी सब तो प्रेस कर दिया, इसको नहीं किया, चलो यही पहना। तो इसको खाना खिला के मैंने सुला दिया है। आजकल पता नहीं इसको जब भी नींद आती है ना तो ये बेड के पास आके और मुझे ऐसे कहेगा मम्मा, मतलब ऐसे इशारा करेगा कि मुझे नींद आ रही है। तो फिर अभी भी मैं जैसे इसको खाना खिला रही थी, आधा खाना खाया, फिर थोड़ी देर में बोलता है मम्मा मुझे, मतलब इधर आके और बीच में खाना खाने के बीच में आके और ऐसे बेड की तरफ इशारा करने लगा, तो मैं समझ गई थी इसको नींद आ रही। फिर मैंने फटाफट से इसका खाना जो है पूरा करके और इसको फटाफट से सुलाया, और सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर इसको ये इतनी अच्छी माशाल्लाह नींद आ गई, ये सो गया है। तो अभी मैं जो है अपना जो लंच मैं लेके आई थी, हालांकि मैं खाना खा नहीं रही हूँ, मतलब रोटी मैंने 1-1.5 महीना हो गया छोड़ दी है, तो वो मेरा लंच, मतलब एक तरीके से लंच तो क्या है, ये शेकर है। शेकर के अंदर मतलब इसमें पहले आजकल जो है मम्मी राबड़ी जो है राबड़ी बनाती थी, तो मैं छाछ और राबड़ी को ऐसे मिक्स करके और इसके अंदर ओट्स और थोड़ा सा मैगी मसाला और थोड़ा सा नमक डाल के, मैंने सोचा था एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, व्लॉग बनाऊंगी आप लोगों के साथ डाइट के ऊपर, लेकिन ठीक है थोड़ा थोड़ा बताती रहती हूँ मैं ऐसे ही आपको। तो इसके अंदर जो है मैं आधा तो छाछ डालती थी, आधा जो है क्या बोलते हैं उसको, राबड़ी डालती थी, ठीक है। मैं जब बेसिकली मेरी मम्मी राबड़ी बनाती थी लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जब कामिल ने बताया कि डाइट में इतना अच्छा सही रहता है, मतलब राबड़ी पीना भूख नहीं मर जाती है और डाइट के लिए भी सही रहता है, तो इतना छाछ इतना राबड़ी और ओट्स का मैं 2-3 चम्मच जो है ओट्स डाल के इसके अंदर मैगी मसाला डाल के सोचे दोपहर में 12 बजे के करीब यही पीती हूँ। और आज जो है राबड़ी बनी नहीं है तो इसलिए मैंने सिर्फ छाछ डाला है इसके अंदर। तो अभी फ़िलहाल लाइट गई भी है, शायद बारिश की वजह से लाइट आ रही जा रही बार बार, और मैंने थोड़ा सा नैप लेना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, और अभी 1-1.5 बज रहे होंगे शायद, लंच कर लिया, मतलब जो शेक है वो पीती हूँ, स्मूदी जो भी है वो पी लिया और हाँ सो गया। अब ये कम से कम 1-2-3 घंटे की नींद तो लेगा लेगा, तो वो उठे उससे पहले मैं भी साथ में सो जाती हूँ ताकि मेरी नींद भी पूरी हो जाए, इसके साथ इसकी भी नींद पूरी हो जाए। और साथ में मुझे अभी एक काम करना था, मतलब मेरा मेरा और कामिल का जो है मैरिज सर्टिफिकेट अभी तक बना हुआ नहीं है, और हम लोग काफ़ी दिनों से जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कर रहे हैं कि हाँ ये चाहिए होता है। तो वो पहले हम लोगों को लगा कि जहाँ पे निकाह होता है वहीं पे आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनाना होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं पे भी मैरिज सर्टिफिकेट बना सकते हो, मतलब यहाँ भी बना सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स मैंने सारे मंगवा लिए, लेकिन एक चीज़ जो है मिल नहीं रही है वो हमारा निकाह नामा, मतलब वहाँ पर मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बोला कि ढूंढा है, मतलब ढूंढा, फिर वो मिला नहीं, तो उन्होंने बोला शायद तुम लेके चली गई होगी। तो मैंने कहाँ रखे हैं डॉक्यूमेंट्स, मिला लाई तो थी मैं, क्योंकि औरहान के जो भी हॉस्पिटल के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो मैं लेके आ गई थी यहाँ पे, मुझे लगा यहाँ पे अगर ज़रूरत होगी तो। उसके साथ में मैं 2-3 डॉक्यूमेंट्स भी लाई थी अपने, लाइक मैरिज सर्टिफिकेट, हो सकता है मैं लाई हूँ नहीं लाई हूँ मुझे कोई आइडिया अभी तक है नहीं, तो वो मुझे ढूंढना है। और वो जो है ऊपर बैग जो ऊपर पड़ा है, मतलब वहाँ उस तरफ बैग पड़े हैं, तो मुझे लग रहा है उस बैग में मैंने अपना सारा जो है डॉक्यूमेंट्स रखा है, लेकिन अगर मैंने अभी उसको उतारा तो मेरे ख्याल से ये उठ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये उठ गया तो फिर वापस से सोना इसको मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सोचूँ 4 बजे के आसपास अगर मैं, जब ये उठ जाएगा उसके बाद मैं जो है फुर्सत से बैग उतार के, जो मैरिज सर्टिफिकेट है हमारा वो उतार के, और कामिल को जो सारे डॉक्यूमेंट्स तो मैंने दे दिए लेकिन सिर्फ ये रह गया तो ये दे दूँगी, और प्लस जो है मेरा रूटीन आई गेस मैंने काफ़ी बार बताया भी है, तो रूटीन चेंज होता रहता है, लाइक अभी जो है और हान से रिलेटेड मेरा रूटीन इतना चेंज हुआ है, मतलब इतना कि पूछो मत, मैं आजकल बहुत ज़्यादा कई बार तो इरिटेट हो जाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मतलब जैसे जैसे ही बड़ा हो रहा है ना वैसे वैसे ज़िद्दी होता जा रहा है। कई चीज़ें आपको, मतलब जो पेरेंट्स अभी बने होंगे, मम्मी या जो होगी खास कर, उनको ज़्यादा पता होगा इस चीज़ का कि बच्चे जैसे जैसे बिजी बड़े होते जाते हैं ना वैसे वैसे ज़िद्दी होते जाते हैं, बिजी यार ज़िद्दी होते जाते हैं, और बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर, मतलब हालांकि ये खेलता रहता है, मतलब एक्टिव बच्चा है माशाल्लाह, तो ये बाहर खेलता रहता है सबके साथ में, लेकिन जब इसका मूड होता है ना तभी, मूड नहीं होता है तो उसके बाद तो ये थोड़ा सा चिड़चिड़ करता है। लेकिन मुझे क्या है ना, मतलब माओ को एक चीज़ मैंने नोटिस की है,
मतलब हम लोगों को पता होता है कि इनको टैकल कैसे करना होता है, मतलब सिर्फ हमें ही पता होता है। इवन ये जो है ना, अपने पापा का भी इतना लाडला है ना, औरान बहुत ज़्यादा लाडला है, और पापा पापा करता रहता है। नींद में से उठेगा ना तो इसको सबसे पहले याद होता है कि 4 बजे पापा का आने का टाइम है, 4:30, तो ये उठते ही कहते हैं पप्पा मम्मा मम्मा पप्पा। और आज के लिए ना बहुत सारे वर्ड जो है ना इन्हें बोलने लगा है, जैसे मम्मा तो पहले बोलता था, पापा भी सीख गया था, तो आजकल दादा आशिया अम्मा और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे बोलने लग गया। तो मैं एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया था, तो मैं इसके बीच में वो डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। मतलब अभी नया नया बोलने लगा तो एकदम मैं और कामिल जो है ना खुश हो जाते जब ये नया नया, जैसे 4-5 दिन पहले हम लोग जब कामिल आम लेके आए थे कि खाने के लिए रात को, तो वो सडन एकदम से उसको देख के बोलते आम, तो हम दोनों एक दूसरे का मुँह देख रहे और लाइक खुश हो गए थे हम लोग कि मतलब नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, नए नए वर्ड सीख रहे हैं, तो इस वजह से ज़्यादा खुश हो गए। ठीक है चलो, अभी वो सो रहा है तो मैं सोच रही हूँ नैप ले लेती हूँ। आप लोगों से शाम को 4-5 बजे जब मैं उठती हूँ तब मिलती हूँ, और बाद में डॉक्यूमेंट्स भी ढूंढेंगे, मतलब जो मैरिज सर्टिफिकेट का वो है, प्लस मुझे आधार कार्ड पे मैंने अपडेट, मतलब अभी जो है ना मेरी और कामिल की अभी नींद उड़ी है, मतलब और हम जैसे थोड़ा सा बड़ा हो गया, मतलब 2 साल हो गया मेरी शादी को, और अभी जो है हम लोग को आधार कार्ड अपडेट कराना है, हम लोग को मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है, हम लोग को पासपोर्ट्स बनाने हैं, हम लोग मतलब डॉक्यूमेंटली इतना डॉक्यूमेंट्स का रिलेटेड इतना सारा काम करना है ना। अब मैंने आधार कार्ड तो अपडेट कराया था कुछ दिन पहले, मैं वहीदा के साथ जाके, मतलब यहाँ ही मित्र है ना, वहाँ पे जाके मैं अपडेट करा गई। 2009 में मैंने अपना आधार कार्ड बनाया था दादा के साथ में, मुझे याद है दादा, मतलब दादा ने बोला था, सब पूरी फैमिली को लेके गए थे, नया नया मतलब अनाउंस हुआ था कि आधार कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है, तो दादा पुलिस में भी थे, तो उनको था कि नहीं मेरी फैमिली का डॉक्यूमेंट्स पहले सबसे पहले जो है पूरे होने चाहिए। तो मुझे याद है हम छोटे छोटे से थे, मम्मी पापा सब लोग जो पापा सारी फैमिली को जो है लेके हम लोग छोटे 2009 या 2008 की बात है, तो वो लेके गए थे हम लोग। तो तब का मेरा आधार कार्ड तब का ही है ना, तो उसमें नंबर मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल से दादा की नंबर दिए हुए तो वो नहीं है, क्योंकि पापा का मैंने चेक किया, पापा के नंबर अपडेट में नहीं दिए हुए, तो वो अपडेट कराना है, नंबर अपडेट करवाया मैंने फ़िलहाल। तो अब जो है फादर की जगह जो है हस्बैंड का नाम ऐड कराना है, तो वो उसके लिए उन्होंने बोला मैरिज सर्टिफिकेट लेके आओ, मैरिज सर्टिफिकेट के लिए हम लोगों को बनवाना ज़रूरी है, और उसके लिए हमारा निकाह नामा ज़रूरी है जो कि अभी मिल नहीं रहा है, सो वो ढूंढेंगे, और फिर बाकी का डॉक्यूमेंट जो बाकी रह गया है हमारा वो पूरा करेंगे। और अभी फ़िलहाल जो है मैंने ऐप ले ली थी और आपसे मिलते हुए शाम को, ठीक है। तो जी मेरा नींद लेना कैंसिल, जैसे ही मुझे नींद आने लगी, इतनी देर तक मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं कोशिश कर रही थी सोने की, और जैसे ही मैं नींद लेने लगी और 15 मिनट बाद जो ये है हीरो मेरा उठ गया, और उठते ही जो है इसको चीजी मतलब चिप्स वगैरह ये खाना था, तो मैं एडवांस में इसके लिए रखती हूँ, और वो ला के रख दिया, अब ये खा रहा है, और अभी सिर्फ 2:15 बज रहे हैं, तो भूल जाओ अभी सोना, क्योंकि ये सो रहा है क्योंकि घर में सब लोग सो रहे हैं, तो इसको खिलाएंगे कौन, रखेगा कौन, क्या का 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 चाहिए। तो मैं तो सोई नहीं आज, कब मैंने सोचा था कि मैं नैप ले लूँगी सो जाऊँगी, और ये भाई साहब जो है 2:15 बजे उठा औरान, और 2:15 से लेके कम से कम 4:15 या 4:20 के आसपास ये सोया है, तो मेरी आँखें तो वैसे भी स्वेलिंग लग रहा है आपको, मैं क्या मैंने नींद नहीं ली है, बस थोड़ा फ्रेशन अप हो गई ताकि नींद ना आए मुझे। और वैसे ससुराल में मेकअप करने का ये फ़ायदा रहता है ना कि मतलब एकदम फ्रेश फील होता है आपको, मतलब आप ईयर में तो ऐसे ही पड़े रहते हो, मतलब ऐसे ही पड़े रहते हैं बिना मुंह धोए भी, ससुराल में जब आप तैयार होते हो मेकअप करते हो तो आपको भी अच्छा लगता है, फील अच्छा फील होता है थोड़ा सा। सो अभी ख्याल आया था बस एक दिमाग में, और मैं शेयर कर लेती हूँ, फिलहाल ये सो रहा है तो मैं जाके चाय पी लेती हूँ, तब तक फिलहाल ये सो रहा है, मैं देखती हूँ दरवाज़ा खोल के जाऊँगी ताकि ये रोए तो पता चल जाए मुझे। ये एक लाइट बंद कर देते हैं, कैमरा वीडियो बनाने के लिए ऑन किए थे मैंने वैसे, तो इसको भी बंद ही कर देती हूँ ताकि नहीं डर जाएगा। मेरा पीनट बटर जो है मतलब नाश्ते के लिए ख़त्म हो गया था, तो अभी मैंने कामिल को कॉल किया, मैसेज करे पीनट बटर ब्रेड लेते हैं, हमें वो ले आए हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि बना लेती हूँ ब्रेड के साथ चाय, मैंने गर्म कर ली थी छोड़ दिया। तो अभी औरान को खाना खिलाया, और सडन जो है शाम के वक्त से मेरा थोड़ा बीपी लो हो रहा था, तो ये नींबू पानी जो है ये मंगवाया मैंने कामिल को बोल के,
बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। अब थोड़ा ठीक है, मतलब ये पिया है तो थोड़ा ठीक फील हो रहा है। अन्ना बोल, अन्ना अन्ना उड़ दादा, बड़ी उड़